In Uttar Pradesh, only 35 lakh people have been vaccinated so far against COVID-19. That's 1.5% of its population. And from rural areas, there seems to be vaccination hesitancy. Now, an incident comes to light. This is an elderly woman in Etawah who refused to get vaccinated against COVID-19. Instead, she goes and takes cover from a drum and she hides behind a drum during this door-to-door vaccination drive in the area. Take a look. Amma! वैक्सीनेशन वाले आए अम्मा, कहाँ दुखी हो अम्मा? अम्मा इतने आओ अम्मा, अम्मा बताएगी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा बताएगी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ बताएगी बुला रही। हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो आपको किस क्या बता रहे हैं, सुनो तो कम से कम। डरो डर के आप जा रहे। गांव क्षेत्र में वैसे भी लोग बिना पढ़े लिखे, बुजुर्ग महिला हर देवी थी चांदनपुर कोठी में, तो हम थे, हमारे साथ CMO थे, जिला चिकित्सा अधिकारी और SDM, तहसीलदार, हम सारे लोग गांव में लोगों को प्रेरित करने के लिए भ्रमण कर रहे थे कि लोग वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। तो महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो, और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा, ऐसा लोगों ने उससे भ्रमित कर दिया होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे समझाया और कहा, फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई। तो मुझे लगता है कि गाँव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो होना ही चाहिए और सबसे ज़्यादा गांव क्षेत्र में होना चाहिए। तो लोग थोड़ा सा डर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दी जाए और उनको प्रेरित किया जाए तो निश्चित ही वैक्सीनेशन हमारा सफल होगा।